ओके, सो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। क्या बोल रहे हैं एग्जांपल 3.6 दिख रहा है छोटा, लेकिन तुम्हें गिनना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस, भाई गैलीलियो की बुक है टू न्यू साइंसेस, ओके, स्टेटेड दैट फॉर एलिवेशन विच एक्सीड मतलब बढ़ना ज्यादा, और फॉल शॉर्ट मतलब कम ऑफ 45 बाई इक्वल अमाउंट्स, द रेंजेस आर इक्वल, प्रूव दिस स्टेटमेंट। अच्छा पहले तो समझो क्या बोल रहे हैं। गैलीलियो ने अपनी बुक, हाँ ठीक है, स्टेटेड फॉर एलिवेशन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ, मतलब फॉल शॉर्ट एक्सीड करे या कम हो जाए किससे, 45 डिग्री से, बाय इक्वल अमाउंट, बाय इक्वल अमाउंट, तो जो रेंजेस होगी वो क्या होगी, इक्वल। कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग ये है, ये सपोज मेरा 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है, और अब मैं सपोज 45 में से 5 डिग्री कम कर दे रहा हूं, या कितना कम करेंगे, 30 पे लाए, 15 डिग्री कम कर दे रहा हूं, कितना 15 डिग्री कम कर दिया, तो 45 में से 15 कम किया तो क्या रह गया 30, तो मैंने ये 30 एंगल ले रहा, या तो फिर एक्सीड करूं 15, तो 45 प्लस 15 कितना हो गया 60, डन। तो ये एंगल पर मैं बॉल फेंकूंगा या कुछ भी ऑब्जेक्ट फेंकूंगा, थ्रो करूंगा, और ये एंगल पर बॉल या ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा, दोनों एक जैसा ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और गिरेंगे, ये प्रूव करके दिखाओ, ऐसा बोल रहे। ओके, प्रूव करके दिखाओ मतलब हमें तो पता ही है, प्रूव करने को क्यों दिया, सही होगा तो ही दिया, गलत होता तो ऐसा बोलता है ना, चेक वेदर ट्रू और फॉल्स, बोल दिया है कि प्रूव करो मतलब सही ही है, तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है, 45 से तुम जितनी अमाउंट देखो, अलग अलग नहीं चलेगा कि भाई सर हम कम तो 5 डिग्री कर रहे हैं, ज्यादा हम 15 डिग्री कर देंगे, तो फिर 40 और 60 हो गया, वो नहीं करना है, इक्वल अमाउंट बोला है, इक्वल अमाउंट, तो भाई 45 में से 15 गए तो क्या आए 30, और 45 में 15 ऐड किए तो क्या आए 60, तो तुम 30 डिग्री पे ऐसे बॉल फेंक रहे हो और तुम 60 डिग्री पे ऐसे बॉल फेंक रहे हो, वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन एक्स वो सेम होगा। ये सब हम फिजिक्स में यूज तो करते हैं खेलते के समय, बट उसका फिजिक्स नहीं पता होता। जैसे हमने बोला कि रेंज, लास्टली हमने अभी ये डिस्कस किया ना कि रेंज कब सबसे मैक्सिमम होते हैं 45, तो तुम ये चेक कर सकते हो, तुम कैच कैच खेल रहे हो तो तुम्हें बहुत ऊपर डालना है तो तुम ऐसे फेंकोगे, लेकिन तुम्हें बहुत दूर डालना है तो तुम ऐसे फेंकोगे 45 डिग्री, ऐसे ऐसे फेंका तो भी ज्यादा दूर नहीं जाएगा क्योंकि वो जल्दी नीचे आ जाएगा, और बहुत ऊपर चले गए तो ऊपर ज्यादा जाएगा लेकिन आगे कम जाएगा, तुम तो खेलते होंगे, ओके, तो 45 डिग्री पे डालेंगे तो सबसे ज्यादा दूर जाएगा। तो ये हम फिजिक्स यूज करते हैं, लेकिन अभी पता चल गया रीजन क्यों 45 डिग्री पे सबसे दूर जाएगा इक्वेशन के साथ। क्वेश्चन समझ गई कि इक्वल एंगल से ज्यादा करो या इक्वल एंगल से कम करो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है प्रूव करते हैं। चलो तो प्रूव कैसे करें, हमारा फॉर्मूला लेके आओ, ये रहा हमारा फॉर्मूला, r इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा नॉट अपॉन g, टू थीटा नॉट याद रखना, हाँ ओके, सो क्या है v, r इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा नॉट अपॉन g। अब बोल रहे हैं कि इक्वल अमाउंट, तुम कोई भी अमाउंट लो, चलो जैसे कि अभी वापस तुम्हारा मैथ चेक हो रहा, अच्छा चलो तो मैं ले रहा हूं क्या लेंगे, कितना कम करना है, कुछ भी ले लो, अभी लिया ना 15 ही ले लो, तो मैं मेरा थीटा 15 डिग्री क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, और मेरा थीटा 15 डिग्री बढ़ाऊंगा, डन ओके, मतलब कि चलो आगे बढ़ते हैं, तो थीटा नॉट ओके, तो थीटा ही है मेरा एंगल, तो मेरा थीटा नॉट जो है उसको मैं 15 डिग्री से क्या कर दे रहा हूं, बढ़ा रहा हूं प्लस 15, मेरा जो थीटा नॉट है उसको मैं क्या कर रहा हूं 15 डिग्री से कम कर रहा हूं, डन ओके। अच्छा अब ये वैल्यू हमें यहां रखनी है, पहले तो मेरा थीटा नॉट ही था लेकिन अब थीटा नॉट नहीं है, ये है, फिर दूसरे केस में पहले तो थीटा नॉट ही था लेकिन अभी थीटा नॉट नहीं है, थीटा नॉट से 15 कम है, डन वही करना है ना हमें,
तो पहले केस में लेते हैं से आर वन, वी नॉट का स्क्वायर साइन ऑफ टू, ये टू है, अब वो इसकी जगह हम यहां अंदर डालेंगे टू को, तो क्या हो जाएगा टू थीटा नॉट प्लस 15, तो 15 मतलब 15 का भी 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30। डन, समझ में आ रहा है पक्का? ओके, डिवाइडेड बाय जी, और वैसे ही वहां करेंगे तो क्या हो जाएगा आर टू इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट माइनस 30 डिवाइडेड बाय जी। ओके, डन। अब हम अगर थीटा नॉट मैक्सिमम के लिए, थीटा नॉट तो हमें पता है, वो जो माइनस प्लस करना था वो तो हमने कर दिया है, मैक्सिमम के लिए थीटा नॉट पता है हमें कितना है 45 डिग्री। ओके, तो अगर मैं यहां 45 लिखूं तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 2 90। अब मैच आया, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस 30 कितना होगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन 90 प्लस 30 डिवाइडेड बाय जी, क्या 31 ये कैसे आया पता चला, मैंने थीटा मैक्सिमम के लिए लिया सपोज क्या 45, तो यहां भी 45 यहां भी, जो माइनस प्लस करना था वो तो किया हुआ ही है, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। ओके, तो यहां मेरा 90 प्लस थीटा है और 90 माइनस थीटा है, तुम लोग बोलो रे 3/2 फॉर्मूला याद करो, साइन 90 प्लस थीटा, एक्चुअली टेंथ में भी था ये लेकिन डिलीट कर दिया था, इसलिए वाली 11th में तो पढ़ा है ना 11th में पढ़ा है ये, अभी बोलोगे हाँ 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 हाँ, पाई बाय 2 प्लस थीटा, सबसे पहले तो नीचे 2 है मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रखेंगे और ये हो जाएगा थीटा, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या है कॉस थीटा, याद है वो सर्कल वाला, हाँ वो सर्कल वाला, के ये साइन पाई बाय 2 है प्लस थीटा मतलब यहाँ आया, ओके, और माइनस थीटा मतलब यहाँ जाएगा, चलो अब माइनस थीटा करते हैं, तो साइन, अब ये बताओ, चलो निर्भय बोलो, साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा पक्का, हिमांशु बोलो जल्दी, अभी लॉजिक बता के बताया फिर भी नहीं लगा रहे हो, बोलो ईशा भूल गए, इतना खराब थोड़ी भूलना है आप पाई बाय 2 करे लगे नहीं भूल गए, नहीं मैंने बताया था कि पाई बाय 2 मतलब क्या, ये वाला ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, पाई है, ये 2 पाई बाय 3 है, साइन थीटा नहीं आएगा कॉस थीटा आएगा, माइनस नहीं प्लस आएगा, क्यों, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 मतलब फंक्शन चेंज होगा, तो साइन का तो कॉस हो गया, और अब साइन का कॉस हो गया, अब साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सब लोग पॉजिटिव होते हैं तो कॉस थीटा, ऑल एस टी सी, चलो तुम लोगों के लिए, तुम तो बैठी थी नहीं तो मैं इसीलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि तुम वो मैथ्स का क्लास चल रहा था तब तुम बैठी थी, अच्छा तो फिर से दिशा देख लो इधर कि क्या है, ये हमारा सर्कल है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री और ये हमारा 270 और फिर वापस यहाँ चले जाओगे तो आ जाएगा 360 डिग्री, अगर उसको रेडियन में लिखना हो तो ये 0 रेडियन इज इक्वल टू 0, कलर थोड़ा अच्छा कर देते हैं 0, ओके ये हो जाएगा 90 मतलब रेडियन में लिखते हैं तो पाई बाय 2, पाई मतलब 180,
पाई मतलब 180, तो ये 180 मतलब पाई। 270, तो 270 को कैसे लिखेंगे देखो, 2π/3, तो देखो पाई की जगह 180 डालो, तो 180 इंटू 2 360 by 3 गलत है, 3π/2 आएगा। ओके तो पाई पाई मतलब 180, 3π/2 आएगा। क्या तुम लोग, मुझे भी भूला तो तुम ऐसा करो, यही बाकी था बस। ओके तो 3π/2 आएगा, अभी पाई की वैल्यू डालो 180, 180 by 2 क्या होता है 90, 90 3 = 270 आ गया है ना। ओके तो 3π/2, 3π/2, और तुम ऐसा बोल दो ये पाई है तो ये 1.5π है, ये पाई है ये 2π है, 360 को क्या लिखेंगे हम 2π, तो ये पाई ये 1, अब नहीं भूलोगे कभी, एटलीस्ट मैं तो नहीं भूलूंगा। 1.5π पाई, फिर पाई तो बढ़ रहा है ना, वहां पाई है यहाँ 2π है, मतलब बढ़ रहा है, तो कितना आएगा 1.5, 1.5 मतलब कितना 3/2, तो 3/2π। ओके दैट्स इट, ये है। अब हमारे पास ये सारे फॉर्मूलास तो तुमने 0 to 90 वाले तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने 10th में देखे थे, ये आया इसलिए पढ़ रहा है, तो न्यूमेरिकल थोड़ा वेट करो। अच्छा तो 0 to 90 के तो सब पता है, लेकिन उसके अलावा एंगल वो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले साइन की बात करें तो ऐसा होता है ऑल एस टी सी, मतलब क्या, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओके ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके क्वाड्रेंट मतलब चौथाई वाला भाग, 1/4। ओके तो 360 के चार पार्ट करेंगे तो 90 आएगा, तो ये 90 डिग्री के चार पार्ट है। अच्छा तो ऑल एस टी सी, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, साइन साइन और उसका रेसिप्रोकल वो कौन है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। ओके फिर यहाँ पे टेन पॉजिटिव, टी का टेन, टेन पॉजिटिव। ओके जैसे कि ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, वो गया तुम्हारा, लेकिन ऑल एस टी सी, ओके ऑल एस टी सी, सो टी मतलब यहाँ पे 10 और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, 10 और कॉट, और यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल मतलब sec, बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा, यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस sec पॉजिटिव बाकी सब कुछ नेगेटिव, यहाँ पे 10 कॉट पॉजिटिव बाकी सब कुछ नेगेटिव, यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। अच्छा ये हो गया साइन। अब बात करते हैं जहां जहां डिवाइड बाई टू हो, डिवाइड बाई टू देखो दो जगह पर है, एक तो पाई बाई टू पर है और एक 3π/2 पर है, तो जहां जहां डिवाइड बाई टू हो उससे तुम प्लस या माइनस कर रहे हो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब पाई बाई टू प्लस करोगे या पाई बाई टू माइनस करोगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अच्छा अब 3π/2 प्लस करोगे और 3π/2 माइनस करोगे तो भी फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा चेंज, मतलब तुम सिंपली याद रखो कि पाई बाई टू एंड 3π/2 मतलब ये नीचे 2 आए तब फंक्शन चेंज हो रहा है, इतना याद रखो, नीचे 2 आ जाए तो फंक्शन चेंज होगा, और नीचे 2 ना आए, 0 आए, 2π आए, 3π आए, 4π आए, 5π आए, ऐसा कुछ पाई आए डिवाइड बाई 2 नहीं है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब तुम वर्टिकल लाइन से प्लस और माइनस कर रहे हो तो फंक्शन चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से प्लस और माइनस कर रहे हो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। अच्छा हाँ, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, तो अब फॉर्मूला, अब फंक्शन कौन सा चेंज होगा वो भी बता देता हूँ। साइन का चेंज क्या होगा निर्भय, कॉस, कॉस का क्या होगा, अब वो थोड़ी लिखेंगे हम, साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन, ओके दोनों साइड लिख देता हूँ, फिर अरे 10 होगा तो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, और कॉसेक होगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक, ये इसको तो लिखना ही पड़ेगा, कॉसेक होगा तो क्या हो जाएगा सेक, डन आया समझ में, साइन का कॉस हो जाएगा, 10 का साइन का कॉस हो जाएगा, हाँ साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक मत कर देना, साइन का कॉस होगा, कॉसेक का सेक होगा और 10 का कॉट होगा, डन। अब करते हैं देखो, जैसे कि अभी जो हमने किया वो साइन 90 प्लस थीटा ऐसा था, तो साइन 90 मतलब क्या पाई बाई टू प्लस थीटा, 90 मतलब पाई बाई टू, अब नीचे 2 आया मतलब फंक्शन चेंज होगा, तो साइन का मैंने कर दिया क्या कॉस,
अच्छा, और थीटा है तो थीटा लिख दिया, लेकिन अभी साइन चेक करनी है, तो किसकी, इसकी नहीं देखनी, जो क्वेश्चन है उसकी देखनी है। पाई बाई टू प्लस थीटा, ये पाई बाई टू है, प्लस मतलब आगे जाओ, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो पाई बाई टू प्लस मतलब आगे जाना है, वन टू थ्री फोर, तो पाई बाई टू प्लस मतलब तुम कहाँ आ गए, सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में साइन क्या है, साइन देखना है, कॉस नहीं देखना है, जो क्वेश्चन होगा वो देखना है, क्वेश्चन में तुम्हारा साइन नहीं है, तो आंसर है तुम्हारा, तो साइन है, तो साइन की, साइन की साइन क्या है, मतलब साइन की साइन, एस आई जी एन साइन, ओके, वो क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा और जो थीटा होगा वो आ जाएगा, डन। अभी साइन 90 माइनस थीटा करे तो अगेन 90 मतलब पाई बाई टू, तो मतलब वापस चेंज होगा, तो वो हो जाएगा कॉस, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, तो कोई दिखना ही नहीं है कॉस थीटा, डन। वैसे ही एक बता देता हूं पाई का, तो साइन पाई प्लस थीटा, तो क्या होगा, सब लोग सोचो और आंसर बताओ, जो पहले बताए वो उसको, साइन पाई प्लस थीटा का आंसर क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा करेक्ट आंसर नहीं है, माइनस साइन थीटा, कॉस क्यों किया, क्योंकि नीचे टू तो है ही नहीं, तो फंक्शन चेंज नहीं करना है, मैं लिखने ही जा रहा था, फिर यहां मुझे भी याद आया, साइन पाई प्लस थीटा, नीचे टू नहीं है तो फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो साइन का साइन ही रहेगा, फिर पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन थीटा, बात खत्म, अंडरस्टूड। और पाई माइनस भी ले लो, साइन, साइन क्यों लेंगे, टेन पाई माइनस थीटा, बताओ आंसर, टेन पाई माइनस थीटा माइनस माइनस करेक्ट, माइनस टेन थीटा, क्योंकि पाई बाई टू नहीं, नीचे टू नहीं है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेन का टेन, और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव है, तो नेगेटिव माइनस साइन थीटा, टेन थीटा, डन, ओके, दैट्स इट, कुछ रह नहीं जाता ना, देखो अब ये बाद में वीडियो देख के स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके लेकिन भूलना नहीं है, आता रहेगा वो, ये रिपीट होता रहेगा, तो बार बार हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, सबको बोल रहा हूं, ओके, याद रखना, अंडरस्टूड, ओके, कुछ रह गया, मैं सोच लेता हूँ, कुछ रह तो नहीं जाता, और एसटीसी साइन बता दिया, ये बता दिया, नहीं कुछ नहीं रहता वैसे तो, फंक्शन चेंज याद रखना, ये कॉसेक होगा तो सेक हो जाएगा, सेक होगा तो कॉसेक हो जाएगा, टेन होगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट होगा तो, ये कॉट है भाई, तीन तीन सी है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, डन, ओके, चलो अभी आते हैं हमारे न्यूमेरिकल पे, तो हमारे न्यूमेरिकल में यहाँ पे क्या मिला, v नॉट स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा, अभी किया हमने 90 प्लस मतलब पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, कॉस थीटा आएगा इसका आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा क्या है मेरा 30, 30 डिवाइडेड बाय जी, डन। अब यहां पर तो इसका आंसर क्या होगा, ये r2 है और ये r1 है, ये क्या हुआ v नॉट स्क्वायर, अभी sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस sin क्यों, पाई बाय 90 है ना, तो फंक्शन चेंज होगा ना, पाई बाय 2, 90 मतलब पाई बाय 2, तो cos, तो cos और जो भी थीटा होगा cos 30 डिवाइडेड बाय जी, देखो सेम आंसर आ गया, वही तो प्रूव करने को बोला था कि रेंज सेम होगी, तुम प्लस ऊपर जाओ या माइनस, तो देखो हमने 2 थीटा 30 प्लस किया, 30 माइनस किया, तो भी सेम ही आंसर आया, 15 डिग्री, 30 भी नहीं, हमने तो 15 मतलब 2 थीटा किया इसलिए 30 हुआ, ओके, बट हमने तो सेम अमाउंट कम की, सेम अमाउंट इंक्रीज की, तो भी जो फाइनल आंसर है आर का वो सेम आया, अंडरस्टूड, जो बुक में लिखा है, देखो यहाँ पर तुम कोई भी एंगल लेके एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैंने 15 लिया है, तो तुम ऐसे एंगल लेके भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और तुम्हें बोलना है, तुम सोचो कि सर मुझे तो एंगल देना ही नहीं, तो फिर तुम दो एंगल एज्यूम कर लो, इसको थीटा और इसको अल्फा, मतलब तुम्हारा एंगल क्या है थीटा, और उससे तुम जो कम और ज्यादा कर रहे हो वो क्या है अल्फा, सो थीटा प्लस अल्फा एंड थीटा माइनस अल्फा,
ओके अब टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, टू थीटा प्लस टू अल्फा, टू थीटा माइनस टू अल्फा, डन। ओके तो वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो, देखो ये हमारा फॉर्मूला। नाउ फॉर द रेंज 45 प्लस अल्फा ओके एंड 45 माइनस अल्फा, टू थीटा इज 90 प्लस टू अल्फा एंड 90 माइनस टू अल्फा, टू थीटा करेंगे तो मैक्सिमम के लिए ओके क्यों हमने 45 ही लिया, यहां भी मैंने बोला ना कि थीटा इज इक्वल टू 45 ले रहा हूं, क्यों उन्होंने बोला था कि 45 से ऊपर या नीचे लेने की बात की थी, कहीं से भी ऊपर और नीचे करने की बात नहीं है। तो थीटा मेरा ओरिजिनल कितना है 45 गिवन है, और वो तो हमें गिवन ना हो तो भी पता ही है ना, क्योंकि 45 पे ही मैक्सिमम रेंज मिलती है। ओके डन, चलो तो 45 में प्लस अल्फा करो या 45 में माइनस अल्फा करो, मतलब ऐसे भी तुम शो कर सकते हो प्लस अल्फा माइनस अल्फा या प्लस 15 माइनस 15 या प्लस 30 माइनस 30 जो लिखना हो। ओके प्लस 45 माइनस 45 मत कर देना, क्योंकि उसका डबल करोगे तो वो 90 हो जाएगा। ओके वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, सोचो 90 डिग्री मतलब एकदम ऑपोजिट, तो वो मत करना, क्यों क्योंकि हमें ऐसा बोला है थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम। ओके तुम तो डायरेक्टली ऐसे मारने वाले थे, डायरेक्टली ऐसे मार रहे हो, ऐसे धोनी मत बन जाना। अंडरस्टूड ओके चलो तो 90 माइनस 2 अल्फा एंड 90 प्लस 2 अल्फा द वैल्यूज ऑफ साइन 90 प्लस 2 थीटा और से 90 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर द सेम, क्यों सेम उसके लिए हमने अभी मैथ समझा, इक्वल टू दैट ऑफ द cos 2 अल्फा, हमारा है ना cos थीटा तो cos 2 अल्फा, देयरफॉर द रेंजेस आर इक्वल फॉर एलिवेशन व्हिच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट अल्फा, सो रेंजेस क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। समझ में आया, न्यूमेरिकल छोटा है बट समझ में ज्यादा है, अंडरस्टूड, कोई डाउट, चलो तो आगे।